अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर वासिफ जाहिद। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी हैव ट्रांसलेटेड आवर उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस idioms एंड phrases ऑफ पेज नंबर 711 एंड 712 ऑन द लर्नर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे। आफ्टर वंस ओन हार्ट, इसका मतलब होता है अपनी मर्जी के मुताबिक। This house is after my own heart. ये घर मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है या मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना हुआ है। Again and again, बार बार या दोबारा। The teacher explained the point again and again. उस्ताद ने बार बार ये उस चीज़ की वजाहत की या उस नुक्ते की वजाहत की। According to के मुताबिक। Acted according to my advice, या फिर ये हो सकता है he acted according to my advice कि उसने मेरी नसीहत के मुताबिक अमल किया या उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। Next is as cool as cucumber, पुरसकून या इत्मीनान। He is as cool as cucumber, वो बहुत पुरसकून या मुतमिन था। At the point of, एट द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है के करीब। द पेशेंट इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरीज़ मौत के करीब है। एट ऑल, हरगिज़ या बिल्कुल ही। ही डिड नाट मेक एनी एफर्ट एट ऑल, उसने कोई भी कोशिश नहीं की। एट वंस, फौरन ही। एट वंस वी गॉट फ्रीडम, आखिरकार या फौरन ही हमें आज़ादी मिल गई। नेक्स्ट इज़ अ फास्ट फ्रेंड, गहरा दोस्त। अली इज़ माय फास्ट फ्रेंड, अली मेरा गहरा दोस्त है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, सहमत में छुपी रहमत। हिज डेथ इन रोड एक्सीडेंट, उसकी मौत सड़क के हादसे में वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जहमत में रहमत साबित हुई। As he was dying by cancer, जैसा कि वो कैंसर से मर रहा था। A royal road, आसान रास्ता। There is no royal roads to success, कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं है। A cat and dog life, लड़ाई झगड़े की जिंदगी। They have been leading a cat and dog life, वो एक लड़ाई झगड़े की जिंदगी गुजार रहे हैं। A live wire, अहम शख्सियत। Our Prime Minister is a live wire, हमारे Prime Minister एक अहम शख्सियत हैं। All moonshine, ख्याली पलाव। His plans are all moonshine, उसके मंसूबे सिर्फ खाली पलाव हैं। B letter, back out, वादे से फिर जाना। We should not back out from our promises, हमें अपने वादों से नहीं मुकरना चाहिए। Bad blood, दुश्मनी। Do not have bad blood with anyone, किसी के साथ दुश्मनी मत रखो। Bad debt, ऐसा कर्ज़ा जो वसूल ना हो सके। He had to write off a bad debt, उसे उस कर्ज़े को या ना वसूल होने वाले कर्जे को माफ़ करना पड़ा। बैड एग, ऐसा शख्स या स्कीम जिसका कोई फ़ायदा ना हो। पीपल थिंक द येलो टैक्सी स्कीम इज़ बैड एग, लोग सोचते हैं पीली टैक्सी की स्कीम एक बुरी स्कीम है। बैग एंड बैज, बोरिया बिस्तर। आई लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ दिया विद बैग एंड बैज, बोरिया बिस्तर के साथ। बी इल एट ईज़, इसका मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना। अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज़ ऑलवेज इल एट ईज़, एक बेईमान आदमी हमेशा ही बेचैन या परेशान रहता है। बेयर फ्रूट, सब्र का फल, या हम कह सकते हैं बासमर साबित होना। एट लास्ट, आखिरकार। हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट्स, उसकी कोशिशें फल ले आई। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज idioms एंड phrases,
फील फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।